इसको हटना चाहिए, ये जनता के हित में नहीं है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी बिहार की जनता से डर गए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इन्होंने माननीय जो भी सदस्य थे उनको मार के बाहर निकाला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, में हूँ आपके साथ शिवम। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर विपक्ष के विधायकों के द्वारा आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई के बीच जोरदार प्रदर्शन किया गया है, जिसके बाद बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। और उसके बाद आपको हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह से पुलिस के द्वारा जो भी विपक्ष के विधायक हैं उन्हें बिहार विधान परिषद के बाहर फेंका जा रहा है। आप अब तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो विपक्ष की महिला विधायक हैं उनसे पुलिस द्वारा बाहर बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर फेंका जा रहा है। ऐसे में जब हमने राजद की विधायक मंजू अग्रवाल और साथ ही साथ कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी से बात की तो क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुने। चला रहे हो वो मानवाधिकार को हनन कर रही है। लेकिन आपने सदन में जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के चेयर को जो कह सकते हैं, देखिए संवैधानिक कुर्सी को कोई नहीं घेरेगा, लेकिन हम लोग विरोध प्रदर्शन में आज थे हम लोग कि ये काला कानून इसको हटना चाहिए, ये जनता के हित में नहीं है। तो लोकतांत्रिक तरीके से भी कर सकती हैं आप। हम लोग देखिए ये विरोध हम लोग करेंगे, कहा कि हम लोग जनप्रतिनिधि है, हम लोग जान रहे हैं कि जन कल्याण में क्या करना। अच्छा, है बिल में आप लोगों का विरोध किस चीज को लेकर, क्या क्या लेकर विरोध है आप लोग को इस बिल में, क्या समझ पाई है इस बिल को आप? देखिए हम लोग जो भी ये काला कानून है ये मांग कर रहे थे कि पुलिस बिल वापस लिया जाए, लेकिन ये नीतीश कुमार जी बिहार की जनता से डर गए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इन्होंने माननीय जो भी सदस्य उनको मार के बाहर निकाला गया है। देखिए आप लोगों ने भी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके आसन को घेरा, वहां से वहां बिहार पुलिस के जवानों को वहां पर लगाया गया जबकि मार्शल आ सकते थे। देखिए बिहार पुलिस के जवान मार्शल अब बिहार पुलिस को लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोग कोई अपराधी नहीं है, हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की बात को आसन तक पहुँचाते हैं, जनता इस कानून को कभी तो आपने साफ तौर पे सुना है विपक्ष के विधायकों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे यह मांग कर रहे हैं बिहार सरकार और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि जो बिल आपने आज सदन में पेश किया है वो पूरे तरीके से काला कानून है, ऐसे में इस बिल को अब वापस ले लेना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है, ऐसे में जितने भी विपक्ष के विधायक हैं उनको पुलिस के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।